हे गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए तो पहले चाय पी लेते हैं। आज फ्रेंड्स, सिंपल सा फूड प्रिपरेशन करने जा रही हूँ मैं। मैंने मसूर भिगा दिए हैं और ये मैं मसूर की सब्जी और रोटी बना लूँगी लंच के लिए। और मसूर तो क्या फटाफट बन जाते हैं। मसूर बनाने के लिए मैंने ऑनियन काट लिया है और कुकर गरम होने के लिए रख दिया है। जैसे कुकर गरम होता है तेल डाल दूंगी और ऑनियन को थोड़ा सा सौते करके उसमें मसाले डाल के कुकर की सीटी लगा लूंगी। मसूर भीग रहे हैं, थोड़े भीग जाएंगे तो अच्छे से सब्जी बन जाएगा। गाइज, मैं बहुत फटाफट इजी मेथड से सब्जियां बनाती हूँ। आप बोलोगे कि कितना फास्ट सब्जी बना लेती है, पर मुझे मॉर्निंग में बहुत भागम भागी रहती है, पार्लर पे पहुँचने का रहता है, इसलिए मुझे जल्दी से खाना बनाने का रहता है। तो चलिए गाइज, कुकर गर्म हो गया है, तेल डालते हैं। थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला, खड़ाखा गरम मसाला डालेंगे, एकदम थोड़ा। एक तेज पत्ता भी ले लिया है मैंने डालने के लिए और थोड़ा सा आखा धनिया लिया है। जरा खड़ा मसाला डालते हैं ना गाइस, आखा खा तो टेस्ट अच्छा आ जाता है। अब इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट और सारे मसाले, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, नमक और फिर मसूर डाल देंगे। मेरे पास ये वाला जिंजर गार्लिक पेस्ट है तो मैं थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ उसमें। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद ये मसाले में डालूंगी लाल मिर्ची पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी और बाद में नमक। मसाला भून चुका है, अब मसूर डाल देते हैं इसमें। मैंने एक मालवनी मसाले का पैकेट लाया है तो आज मसूर में ये मालवनी मसाला थोड़ा डाल के देखते हैं कैसा लगता है। ऐसे मालवनी मसाला बहुत अच्छा है, ये अपने महाराष्ट्र की महाराष्ट्र में सब लोग मालवनी मसाला बहुत वापरते हैं और उसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आ जाता है। सारे मसाले उसमें मिक्स रहते हैं, बहुत तरह के मसाले उसमें मिक्स रहते हैं। तो चलिए ये मालवनी मसाले का पैकेट फोड़ते हैं और इसमें थोड़ा सा डालते हैं फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए। एक ग्लास जितना मैंने पानी डाल दिया है इसमें और अब मैं कुकर की सीटी ले लूंगी। तो फ्रेंड्स, कुकर की सीटी आती है तब तक मैं गेट खोल देती हूँ। मेरी मैंने चाबी, बाहर का गेट खोलते हैं। तो बाहर का मौसम आज कुछ इस तरह से है। ये वाला गेट भी अब खोलना पड़ेगा और यहाँ पे नारियल का झाड़ है और नारियल बहुत सारे लगे हुए हैं। थोड़े थोड़े बादल छाए हुए हैं। तो आसमान इस तरह से अच्छा दिख रहा है सुबह। और गाइस, मेरे कुकर की सीटी भी आ रही है। गेट खोल देते हैं। मैं एक मिनट के लिए भी दरवाज़ा खुला नहीं रख सकती हूँ क्योंकि छिपकली आ जाती है और डर लगता है छिपकली की वजह से। ये पेड़ बहुत बड़े बड़े हो गया है, फ्लावर्स तो बहुत अच्छे लगते हैं पर फिर भी मुझे इसे थोड़ा सा छाटनी करके छोटा करना है ताकि मेरे सारे दूसरे नीचे के प्लांट्स से छोटे छोटे वो अच्छे से दिख सके।
मसूर रेडी हो गए हैं। इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है और थोड़ा सा नींबू भी डाल दिया है। इस तरह से रस नहीं निकला, थोड़ा सा, चलो टेस्ट तो आ ही जाएगा। तो मेरा टिफिन रेडी हो गया है गाइस, और मैंने रोटी भी बना ली है इसके साथ, और एक रोटी मैंने गाय के लिए भी निकाल ली है। तो चलिए अब पार्लर के लिए निकलेंगे और गाय को रोटी खिलाते हुए जाएंगे। तो गाइस गुड मॉर्निंग, और मैं हूँ इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल, और मैंने बनाया है मॉर्निंग में मसूर, जो आपने अभी देखा ही। सिंपल सा लंच बना लिया है मैंने, और थोड़ा सा डब्बा मम्मी के टेस्ट के लिए भी ले लिया है। मैं मम्मी के लिए भी ले लेती हूँ थोड़ा सा टेस्ट के लिए सब्जी। तो अभी मेरा लंच रेडी हो गया है और मैं पार्लर पे जाने के लिए रेडी हूँ। और क्या है तो इस तरह से मेरा मॉर्निंग रूटीन चालू हो जाता है। बाप रे, बाल मुंह में जा रहे। तो इसी तरह से मेरा मॉर्निंग रूटीन चालू हो जाता है, और एसी चालू किया है पर फिर भी इतनी गर्मी पड़ रही है यहाँ पे मुंबई में गाइस, कि मैं क्या बोलूँ आपको। अक्टूबर हीट तो सितंबर से ही चालू हो गई है, पता नहीं ठंडी कब आएगी। तो फैन फास्ट है इसलिए बाल मेरे जरा से उड़ रहे हैं। तो गाइस इस तरह से मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गया है संडे का, और मैं जा रही हूँ अभी पार्लर पे। उसके पहले मम्मी के घर पे जाऊँगी, और मम्मी के घर के ना सारे प्लांट्स मैं आपको दिखाऊंगी। रात रानी के झाड़ में रात रानी के फूल आए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइस मुझे लगता है मेरा आई कांटेक्ट आपके साथ बराबर नहीं हो रहा है। मैं मोबाइल से शूट कर रही हूँ तो उसकी वजह से शायद, पता नहीं तो जैसा भी वैसा है, आप मुझे पसंद करते हैं वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं तकरीबन 550 के ऊपर, तो और 2 दिन में तो 550 नहीं, 5,500 के ऊपर, और 2 दिन में 6,000 तक पहुंच जाएंगे। तो गाइस इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फैमिली बढ़ रही है, और मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं पार्लर पे और मिलते हैं पहले मम्मी से। मम्मी के घर चलेंगे, रास्ते में गाय को रोटी खिला दूंगी मैं, और उसके बाद आगे पार्लर पे चलेंगे। तो गाइस मैं जहाँ जहाँ जाऊंगी आप मेरे साथ ही चलिएगा। और फ्रेंड्स मैं हूँ ब्यूटिशियन, तो आपको कोई भी क्वेरीज हो ना ब्यूटी के बारे में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मुझे अगर उसका सॉल्यूशन पता होगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। जैसे आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो स्किन के रिलेटेड, बालों के रिलेटेड, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूंगी। मुझे जितना नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और हेयर फॉल के लिए गाइस अब बहुत बहुत मेन प्रॉब्लम है हेयर फॉल का। तो फ्रेंड्स हेयर फॉल के लिए अगर आपको कोई क्वेरीज हो ना तो मुझे बताइए, तो मैं आपको उसकी दवाई वगैरह बता दूंगी, ताकि आपके हेयर फॉल इंस्टेंट एकदम फटाक से कम हो जाए। तो चलिए गाइस निकलते हैं पार्लर के लिए। अभी बजे हैं 9:30 मॉर्निंग के, तो 10 बजे तक पार्लर पे पहुंच जाएंगे हम। गाइस मैंने स्किन पे कुछ भी नहीं लगाया है, इतनी गर्मी में क्या कोई इंसान मेकअप करेगा। गाइस आज मैंने संडे का मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है यूट्यूब पे, तो आप मेरा यूट्यूब पे वो वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। ओ गॉड, लाइट चली गई, अब क्या मैं ऐसी ऐसे ही छोड़ के चली जाऊं। जाना है जल्दी, और ऐसा इस तरह से प्रॉब्लम हो गया।
मेन बटन तो मैंने ऑफ कर दिया है, अब पता नहीं क्या करूँ, लाइट कब आती है। 5 मिनट्स हो गया मुझे वेट करते करते, लगता है मुझे ऐसे ही निकल जाना पड़ेगा पार्लर पे। तो मैं मम्मी के यहाँ आ गई हूँ और ये रात रानी को फूल लगे हैं, ये है तुलसी का वृंदावन। अब गाय तो मिली नहीं, तो ये रोटी मच्छी लोग को डाल देती हूँ कुएं में, और कछुआ ऊपर तैर रहा था और मुझे देखते ही भाग गया। देखिए मच्छियाँ भी आएगी धड़ाधड़ खाने को। हाँ देखिए है ना, इस तरह से मैं रोटी डाल देती हूँ मच्छी को, टूट पड़ेगी अभी सारी मच्छियाँ। गाइस कुएं में 2-3 कछुए हैं और देखिए बहुत सारी मच्छी आ गई है, अब रोटी पे टूट पड़ी है। ये देखिए एक बड़ी मच्छी है कुएं में, मैं भी आज देख रही हूँ बहुत दिनों के बाद। और मम्मी के यहाँ तरह तरह के प्लांट्स लगे हुए हैं इस तरह से, कुछ प्लांट्स में फूल भी आए हुए हैं। ये है गाइस सीताफल का झाड़ जिसमें बहुत सारे सीताफल लगते हैं। ये एक आम का झाड़ बड़ा हो गया है, इसमें लाल फूल लगते हैं भगवान के लिए। और यहाँ पे है ढेर सारे नारियल के झाड़ देखिए, और एक आम का झाड़ भी बहुत बड़ा हुआ है। ये गाइस ये है नारियल के झाड़। ये वाला पेड़ है ना, इसमें सफ़ेद जाम्बू लगते हैं, बहुत सारे लगते हैं, इतने सारे लगते हैं कि ना पूछो बात। गाइस ये है मम्मी के यहाँ का आंगन, इस तरह से प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं।